हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं या नहीं। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूँ। माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या आप एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं या नहीं। नो डाउट आपके दिमाग में, आपके माइंड में होगा कि सर एक कैसी बेहुदा जो है सवाल पूछ रहे हैं, बेहुदा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कह रहे कोई बड़ी बात है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक प्रश्न तैयार करना कोई कठिन काम तो है नहीं। मैं भी यही समझाना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट वर्क, यह कठिन काम नहीं है। लेकिन आपने सही ढंग से अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक प्रश्न तैयार किया है तो अब तक आपके पास कितना क्वेश्चन होना चाहिए, और नहीं भी तैयारी हुई है तो कैसे तैयारी करें कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+% मार्क्स अचीव करें। हर स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में करना चाहता है या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सही टाइम को न समझकर वो अपना दिमाग थोड़ा सा दूसरी जगह लगा लेता है, जिसकी वजह से उनके पास जो है क्वेश्चन की कमी हो जाती है और नो डाउट उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में आप कैसे करें कि आप 90+% मार्क्स अचीव कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस चीज़ को जानने के लिए अगर अभी तक आपने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और सबको पता है डियर स्टूडेंट्स कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष इक्वल टू 365 दिन। ये तो आप सभी को पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। दैट्स क्लियर है। तो मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, दर्शाना चाहता हूँ वास्तव में आपका कितना दिन बीत गया और कितने दिन आपका अभी शेष है, रिमेनिंग है, बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब आपके पास कितना दिन टाइम बचा हुआ है, ऐड कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास ए फेब्रवरी मंथ एंड मार्च मंथ, वो भी 15 डेज, किसी भी समय डेट का टाइम जो है आ सकता है या फिर टाइम टेबल का जो डेट है वो निर्धारित हो सकता है। ये मानकर मैं चल रहा हूं कि आफ्टर 15 मार्च के बाद ही एग्जामिनेशन का डेट क्लियर हो सकता है, ठीक। तो अब ये कहने का मतलब यह है कि अगर हम उसमें से, हो सकता है कि मार्च के बाद अप्रैल में भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो टाइम है, यानी आपके पास जो टाइम है वो मैं शो कर रहा हूं कि वास्तव में कितना दिन टाइम बचा हुआ है। अब देखिए, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपके पास कुल मिलाकर 30 और 45 डेज, कितने दिन, 45 दिन का टाइम अभी भी है, बचा हुआ है। तो यहां पर 45 मैंने माइनस किया तो कितना हो गया, 320 डेज जो है ये आपका समय बीत चुका है लगभग। ये लमसम आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं है कि कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक। इतना तो क्लियर हो गया। 320 दिन, तो अभी भी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप एक दिन एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, तो आप यही दिमाग में रखे होंगे तो बहुत इजी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर 320 डेज में इंटू वन क्वेश्चन पर डे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन क्वेश्चन पर डे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है, इक्वल टू 320 क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए अब तक आपके पास कितना क्वेश्चन होना चाहिए पर सब्जेक्ट का, 320 क्वेश्चंस क्या आपके पास है। अगर 320 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट का आपके पास 320 क्वेश्चंस है तो नो डाउट 90+% आप अचीव करने से कोई, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, आप अचीव जरूर करेंगे, 90+% आप जरूर लाएंगे यदि आपके पास इतना है तो। और नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने चूक किया है। अब देखिए, अगर नहीं है तो ध्यान दीजिए, नहीं है तो हम इसका इंटू 50% ही मान कर चल रहे हैं। चलिए कि आप 50% तैयार किए हैं तो 50% आप टॉपर में अपने को मत रखिए कि अगर 50% आपने तैयारी किया है तो आप टॉपर में जाएंगे, बट आप एक एवरेज स्टूडेंट्स कहला सकते हैं कि आप एवरेज में रहेंगे, आपका जो परसेंट रहेगा वो नियर अबाउट एवरेज में ही रहेगा, ठीक। चलिए अगर हम इसका 50% निकालते हैं तो 160 क्वेश्चन,
यही मैं मान के चल रहा हूं। कितना क्वेश्चन आपके पास 160 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, जब 160 क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप हैं एवरेज स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट्स हैं? एवरेज स्टूडेंट्स। आपके पास इतना क्वेश्चन है तो यू आर एवरेज स्टूडेंट्स, यू कैन डू द गुड परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है फिर भी आपका रहेगा, बहुत खराब नहीं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत खराब नहीं, मतलब यू विल बी इन द मिडल, आप बीच में रहेंगे। ठीक, चलिए सपोज करिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो कि अभी तक तो उनकी तैयारी लगभग न के बराबर, मान लीजिए हर सब्जेक्ट का कुछ ही चंद क्वेश्चन ही उनको तैयार है। अब करना क्या है, करना क्या है कि हम जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स अचीव करें। आप लोग जो है कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि अब जरूरत है आपके पास कितने दिन का टाइम जो शेष बचा हुआ है, ये है दिन शेष, शेष टाइम है 45 डेज। अगर 45 डेज के हिसाब से अगर हर सब्जेक्ट का आपको अब जरूरत है, जो बच्चे अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं किए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो लोग किए हुए हैं अपना बेस्ट दिए हुए हैं, उनके लिए वन क्वेश्चन ही एनफ होगा, क्योंकि उनके पास जब इतना क्वेश्चन रहेगा तो 90+ अचीव श्योर है करेंगे। लेकिन जो बच्चे इतनी तैयारी नहीं किए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 45 डेज मल्टीप्लाई कर दे 3 क्वेश्चन डेली का, अब आपको जरूरत है। ये भी इट्स वेरी इजी, आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि एक प्रश्न, मतलब एक सब्जेक्ट का एक प्रश्न नहीं बल्कि 3 प्रश्न अब तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया है, अब प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ गई है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पर डे, 45 डेज इंटू 3 क्वेश्चन पर डे, अगर इस हिसाब से देखा जाए इक्वल टू 135 क्वेश्चन आपके पास प्लस में होंगे। कितने दिन, ये जो 45 डेज है इसमें आपके पास 135 क्वेश्चन जब रहेंगे, 135 क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं, प्लस अब इसमें ऐड कर दीजिए कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स में आपने इतना तैयारी किया है इसमें प्लस कर सकते हैं, या फिर यहां पर अगर 320 क्वेश्चन आपने तैयार किया हुआ है ये बात, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अपने अनुसार आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं किए, अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो 135 क्वेश्चन ए प्लस जो उनका पहले से ही प्रिपरेशन हुआ है, तो अगर इस ढंग से अगर वो अच्छी तैयारी करते हैं तो नो डाउट उनका बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही तैयार नहीं किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करिए और 45 डेज जो आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम का अच्छे ढंग से यूज करिए, और कंसंट्रेशन माइंड के साथ अपने को उसमें जो है बेस्ट करिए, जो है अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अपने बुक का स्टडी अच्छे ढंग से करिए, तो नो डाउट आप अच्छा परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप इन सब को जो है थोड़ा सा फोकस करें और देखें, अपने को गेस करें कि आपका पोजीशन अभी तक कहाँ है, आपका लेवल कहाँ तक है और कितनी आपको जरूरत है प्रिपरेशन करने की। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन नहीं किए हैं अब कितनी तैयारी करनी है, क्योंकि ये भी है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है, सर हम 45 डेज हमारे पास है 3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट का, पर डे पर सब्जेक्ट का है, तो हो सकता है जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट × 3 = 18 क्वेश्चन डेली, ये तो पर डे तो होगा ही क्योंकि आपने शुरू में तैयारी नहीं किया है, तो 18 क्वेश्चन होगा। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट × 3 = 15 क्वेश्चन डेली, ये आपके पास होगा ये सब तैयारी करने के लिए। तो थोड़ी सी नो डाउट थोड़ा सा बर्डन होगा, लेकिन बोर्ड में जब अच्छा करना है तो बर्डन से डरना नहीं है, क्योंकि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो आपको ठानना पड़ेगा कि अभी तक जो नहीं हुआ है वो 45 डेज में आप करके दिखाएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो समझने का प्रयास करिए।